हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फानेला स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर अनीता राजपूत। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 3 का चैप्टर 2, जिसका नाम है शेकीबाज मक्खी। ओके बच्चों, ये हमारा भाग 2 है। पहले हमने भाग 1 पढ़ा था, उसमें हमने शेकीबाज मक्खी की कहानी मैंने आपको समझाई थी, सारांश पढ़ा था और उसमें नए शब्द आए थे वो पढ़े थे। आज हम चैप्टर को रीड करने वाले हैं। चलो आप अपनी किताब को खोलो। चैप्टर का नाम है शेकीबाज मक्खी। तो हमने बच्चों इसकी कहानी तो मैंने आपको पार्ट भाग 1 में बताई थी ना, आज हम इसको रीड करेंगे। ओके बच्चों, ये हमारा भाग 2 है। तो हम पढ़ते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। क्या शेर क्या कह रहा था? आराम कर रहा था। शेर तो जंगल में ही रहता है। फिर आगे लिखा हुआ है, इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। क्या क्या? मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से क्या नहीं किया था? स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। क्या करने लगी? भिन भिन। मक्खी की आवाज़ भी ऐसी आती है भिन भिन करने की। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर को बहुत मुश्किल से क्या हुआ था? नींद आई हुई थी। उसमें भी मक्खी आके भिन भिन करने लग गई। उसने पंजा उठाया। किसने? शेर ने। और मक्खी उड़ गई। जैसे ही शेर ने अपना पंजा उठाया तो मक्खी उड़ गई। लेकिन क्या हुआ? लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गए। फिर से मकड़ी आई और शेर के पास में आके भिन भिन करने लग गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। अब क्या हुआ? शेर को बहुत गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा। क्या किया उसने? वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार दूंगा। किसने बोला ये? ये शेर ने बोला कि मक्खी तू दूर हट, ऐसे तुझे अभी मैं जान से मार दूंगा। तो मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। क्या बोला मक्खी ने? छी छी। फिर आगे बोलती है, जंगल के राजा के मुँह से ऐसी बात कहीं शोभा नहीं देती है। क्या बोला उसने? कि जंगल के राजा के मुँह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है। तो आगे क्या हुआ? शेर का गुस्सा बढ़ गया। मक्खी ने ऐसा बोला ना तो शेर को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। क्या बोला शेर ने? कि एक तो मुझे सोने भी नहीं देती है, ऊपर से तू मेरे सामने जवाब देती है, तू चुप हो जा वरना अभी। तो वो क्या बोलती है? मकड़ी बोली, वरना क्या कर लोगे? क्या बोला मकड़ी ने? कि वरना क्या कर लोगे? तो उसने बोला, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? किसने बोला? मकड़ी ने बोला कि क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मकड़ी ने शेर को बोल दिया, चैलेंज कर दिया कि आपकी हिम्मत हो ना तो आ जाओ मेरे से लड़ने के लिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, शेर आग बबूला हो गया। शेर को तो गुस्सा ही बहुत आता है, तो उसको ऐसा बोला तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो क्या? आग बबूला हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा और तो मक्खी तो उड़ गई और कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। एक बार कान पर बैठी, दूसरी बार नाक पर बैठी। फिर आगे लिखा गया है, उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक भी छिल गई। पहले की बार कान छिल गया था, इस बार नाक छिल गई। फिर आगे लिखा गया है, मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर बैठती। फिर लिखा गया है, शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती। मक्खी का तो क्या है, हम जहाँ हाथ रखते हैं वहाँ से वो उड़ जाती। उड़ जाती ना बच्चों? यस। फिर आगे लिखा गया, अंत में शेर उग गया, मतलब थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती।
मैं तो हार गया, तुम जीत गई, बस। तो मक्खियों को क्या घमंड आ गया, क्यों आ गया? भाई शेर जंगल के राजा ने मुझे बोला कि भाई मैं हार गया तू जीत गई, तो वो खुशी खुशी जंगल में आगे जाने लगी। तो आगे लिखा हुआ है, मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी, उसको खुश हो गई ना इसलिए घमंड आ गया, तो आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला, क्या मिला? हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। किसने बोला ये? मक्खी ने बोला रहा है, और किसको बोला? हाथी को बोला कि मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। फिर हाथी ने क्या किया? हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे, ये मक्खी तो है ही ऐसी, इससे मैं समय क्यों बर्बाद करूँ मेरा। तो क्या किया हाथी ने, सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। फिर सामने आ रही थी लोमड़ी, ये सब देखा तो लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। लोमड़ी ने भी ये हाथी का सब देख बोला ना, ये सब देख रहे थे, वो मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे हो लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी को भी उसने ये बोला कि मैंने राजा शेर को भी हरा दिया और हाथी को भी हरा दिया, तो मुझे प्रणाम कर। तो लोमड़ी थी ना वो बहुत चालाक थी, तो लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, उसे प्रणाम किया। फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका, तो जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, क्या बोला उसने, उधर वह मकड़ी दिखाई तो दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। लोमड़ी बहुत चालाक थी, उसने मक्खियों को क्या बोला कि वहाँ वो मकड़ी है ना, वो आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर ले लो। तो मक्खी तो बहुत घमंड में थी, तो यह सोच सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गए कि मुझे मकड़ी गाली देगी। तो वो क्या मक्खी बोली, यह मकड़ी को तो चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। कौन बोला ये? मक्खी बोली कि इस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। फिर आगे लिखा हुआ है, यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, वह हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। क्या किया लोमड़ी ने, सब देखा और फिर चली गई। तो बच्चों ये हमारी कहानी किसने लिखी थी? योगेश जोशी ने लिखी थी। इससे हमको शिक्षा मिलती है, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, आपको ये कहानी पढ़ी, हमने चैप्टर को पढ़ा, आपको इस कहानी में से एक पेज, पहला पेज है ना हमारा, पेज नंबर कौन सा, हमारा चैप्टर टू का पेज नंबर 7 है, उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। ये हमारा भाग 2 था, भाग 3 में हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आपको आज का होमवर्क है आपका कि शेकी बाज मक्खी का पेज नंबर 7 अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों।